जी नमस्कार। अभी आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी आ गए हैं। किस टाइप का क्वेश्चन था मैं इन लोगों से जानूंगा। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कहाँ से क्वेश्चन था? ईवीएस कैसा था? हाँ, ईवीएस बहुत अच्छा था। किस टाइप से क्वेश्चन था? था कंटेंट था या नहीं था? नहीं था। था हाँ। कहाँ से था कंटेंट में? बहुत जगह था, कुछ पढ़ा भी था कुछ नहीं भी पढ़ा था, मतलब टफ भी था। हाथी से भी था क्या? नहीं नहीं। ये घोड़ा से था क्या? नहीं। या और अभ्यर्थी मैं बात करूँ, कैसा गया एग्जाम? ठीक गया। काहे भाग रहे हैं भैया आप? अच्छा गया, अच्छा गया, अच्छा गया। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए सीडीपी से किस टाइप के क्वेश्चन था? सीडीपी से नॉर्मल क्वेश्चन था। नॉर्मल था। कौन कौन जिन प्याजे कौन मन वैज्ञानिक? हाँ, जिन प्याजे था कथी कहता है कि कोहलबर्ग से नहीं था। हाँ, कोहलबर्ग से नहीं था। जिन वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की से था। वाइगोत्स्की से था। और अथी पैसेज किस टाइप से था? पैसेज भी ठीक ठाक था। नॉर्मल था या हाई था? ना नॉर्मल, सब चीज़ चाहिए नॉर्मल। हाँ हाँ। ईवीएस कंटेंट से नहीं था ना? ईवीएस कंटेंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था। वो कितना बतला बतला कोई क्वेश्चन तो बता दीजिए ना। तो आगरा अधिक कथिकता है या डिस्टेंस से भी था क्या? ना डिस्टेंस नहीं नहीं था। कोई राज्य से भी था क्या? हर राज्य से था। कौन से क्वेश्चन बता दीजिए? राज्य से था। अरब सागर के तट पर कौन सा राज्य है? उसके अरब सागर की। चलिए बहुत अच्छा। तो कितना आ जाएगा नंबर इस बार? अब तो देखिए कितना आएगा नंबर से, अब तो बतला इलाके बाद में। अच्छा चलिए ठीक है। और लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? अच्छा गया। किस टाइप से क्वेश्चन था? ठीक था। कुछ तो बताइए कैसा गया एग्ज़ाम? काहे भाग रहे हैं? कैसा गया एग्ज़ाम? ठीक गया, समय की थोड़ी कमी होगी। अच्छा एग्ज़ाम दिए हैं तो ऑनलाइन प्रथम बार दिए हैं? इससे पहले भी दिए हैं? नहीं, इससे पहले भी दिए, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि टाइम कम हो गया, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ। हाँ। अच्छा तो सीडीपी कैसा था क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा था, सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप से ही था। इजी था। हाँ, मैथ इजी था? हाँ, मैथ्स भी बहुत इजी था। कंटेंट किस टाइप से था? मैथ का कंटेंट जोड़ घटाओ गुणा भाग लघुतम एलसीएम एचसीएफ सब में से था। था। हाँ। अच्छा उसके बाद और आप बता दीजिए कि ईवीएस से? ईवीएस में भी सारे मतलब पूरे से पूछा था। अच्छा अच्छा। पैसेज? पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज थे। अच्छा। पोएट्री? पोएट्री भी था, उससे भी क्वेश्चन रिलेटेड। संस्कृत? संस्कृत मेरा नहीं है। नहीं था। इंग्लिश का पैसेज? हाँ, इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पैसेज थे। तो किस टाइप से था? भारी था या नॉर्मल था? नॉर्मल ही था। नॉर्मल था। क्या ये स्क्रॉल करने में दिक्कत नहीं होता था क्या? टाइम उसी में हम लोगों को ज़्यादा लग जाता था। अच्छा। स्क्रीन में एक क्वेश्चन देखने में ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहो, पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं आता है तो स्क्रॉल करो इधर उधर करो, उसी में टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है। एक तो ऑप्शन भी चेंज कर दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन में मतलब जैसे सीरियल वाइज नहीं है। अच्छा। तो उन सारी चीज़ों में टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा कह सकते हैं कि सीडीपी भले जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो वास्ट हो गया है। थोड़ा तो वास्ट थोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पहले पेपर टू का दी हुई थी, आज सिर्फ पेपर वन के लिए आई हूँ, तो पेपर टू में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। पेपर वन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ।